माता का जो द्वार है यहाँ से चालू हो जाता है और आपको सिंगारपुर में मौली माता का काफी प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो मुख्य मंदिर है यहाँ से चालू हो जाती है, देख सकते हैं काफी बड़ा। दोस्तों आपको सिंगारपुर में मौली माता मंदिर के साथ साथ और भी काफी सारे जो देव देवता है उनकी प्रतिमा है आपको देखने को मिलेगी, पूरी हो चुकी है। और माता का जो मुख्य मंदिर है सामने आप देख सकते हैं, तो ये है मौली माता का मंदिर। दोस्तों मैं तेरी सराफ सभी को नमस्कार। राजा अपना है सिंगारपुर, पीछे आप बोझ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देवी माता का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये निपुण्या से मात्र थोड़ी ही दूरी पे है। और काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे सजेस्ट भी कर रहे थे कि आप वहाँ पे सिंगारपुर जाइए, यहाँ का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं सिंगारपुर, मेरा फर्स्ट टाइम है सिंगारपुर मंदिर, तो चले चलते हैं मंदिर की ओर। और ये अभी हम गाँव है पहुँच चुके हैं सिंगारपुर। और दोस्तों भी हम फाइनली पहुंच चुके हैं सिंगारपुर, यहाँ पे आप सामने गेट है द्वार देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत भी टंगी सिंगारपुर। और यहाँ के लिए बसेस वगैरह भी चलती है देख सकते हैं, और यहाँ पे मेन द्वार है, यहाँ से जो मंदिर है जस्ट थोड़ी दूर पे, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों भी हम फाइनली पहुंच चुके हैं सिंगारपुर मंदिर परिसर पे, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की निःशुल्क व्यवस्था भी है, और चले चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये है मंदिर परिसर, और सामने आपको गेट आपको दिखाई देगा। और दोस्तों देख सकते हैं माता का जो द्वार है यहाँ से चालू हो जाता है, और आपको सिंगारपुर में मौली माता का काफी प्रसिद्ध मंदिर है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भक्त है काफी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर साल नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में हजारों मनोकामना द्वीप है प्रज्वलित किए जाते हैं। और दोस्तों भक्तों की बातें करें तो काफी सारे जो भक्त है जमीन नापते नापते भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दूरी की बातें करें तो निपन्या रेलवे स्टेशन से महत 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, यहाँ पे आप बस से भी आसानी से आ सकते हैं। और भाटापारा से ये करीब 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और बलौदा बाजार जिला से ये करीब 34 से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और दोस्तों जो मुख्य मंदिर है यहाँ से चालू हो जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है माता के दर्शन के लिए, तो चले चलते हैं अंदर की ओर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माता के दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन है, धीरे धीरे लगना है चालू हो चुकी है। और माता का जो मुख्य मंदिर है सामने आप देख सकते हैं, तो ये है मौली माता का मंदिर। दोस्तों आपको सिंगारपुर में मौली माता मंदिर के साथ साथ और भी काफी सारे जो देव देवता है उनकी प्रतिमा है आपको देखने को मिलेगी, तो चलिए ऊपर की ओर छत की ओर अभी चलते हैं। और ऊपर में काफी सारे जो देव देवता है उनकी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, साथ ही ऊपर की ओर और नीचे की ओर हजारों मनोकामना द्वीप है प्रज्वलित है किए जाते हैं, तो चले चलते हैं ऊपर की ओर।
से उतरने का। दोस्तों आपको श्रृंगारपुर में मौली माता मंदिर के प्रांगण में जस्ट बगल में आपको काफ़ी बड़ा तालाब है आपको दिखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मंदिर के जस्ट पीछे साइड आपको काफ़ी सुंदर सा काफ़ी बड़ा गार्डन भी आपको दिखने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गार्डन की ओर। और दोस्तों ये थी श्रृंगारपुर मौली माता का मंदिर, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।